असल टू ऑल ऑफ यू तो फ्रेंड्स हमारी जो जी के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है उसका आज हम पार्ट 37 करने वाले हैं दैट मीनस जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 37 हम डिस्कस करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किए हैं बहुत सारे टॉपिक है रिगार्डिंग अगर आप ये प्रैक्टिस सेट्स

वहां पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगे आपको जो है प्ले लिस्ट वन बाय वन चेक करने की जरूरत नहीं है सारे के जितने भी जितने इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मैंने एक ही फोल्डर में बना के रखे ताकि आप आसानी से इजीली अपना रिव्यजन कर पाओ और आपको जो है प्ले लिस्ट चेक करने की जरूरत ना पड़े और जिस तरह से रिदम में पहले आपको कौन टॉपिक पढ़ना है पहले आपको क्या देखना है सब कुछ मैंने वहां पे अच्छी तरह से बना के रखा है बस आपको रिव्यूजन करना है जेके पी JK जेके एस एस बी रिव्यन क्लास के नाम से जो फोल्डर है वहां पर जितने भी वीडियोज है उनको देख लो आपको वन बाय वन प्ले चेक करने की जरूरत नहीं है तो अगर मैं बात करूं आज के इस वीडियो की जिसमें हम टॉप थर्टी फाइव क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको मैं टारगेट देता हूं कि थर्टी आउट ऑफ थर्टी आपका स्कोर आना चाहिए अपना जो है नोट करना ना बोले और साथ ही साथ वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना बोले तो यहां पे हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है तो यहां पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वेनडेड डोडा डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश आपको बताना है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है कब एस्टेब्लिश किया गया 1845, 1945, 1848 एट या नाइनटीन तो यहां पर अगर हम डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 1948 में हुई है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्तवार एंड रामबन डिस्ट्रिक्ट कारोड आउट फ्रॉम डोडा इन आपको बताना है कश्तवार एंड रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है इससे डोडा से कब निकाला गया सबसे पहले आपको ये नोट कर लें जो कश्तवार एंड रामबन डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले डोडा का पार्ट हुआ करता था लेकिन आपको बताना है कि इससे जो है इनको जो है अलग डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया यानी

इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काला नाग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर आपको बताना जो काला नाग है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है तवी रिवर जहलिम रिवर चिनाब रिवर या नन ऑफ दीज तो यहां पे अगर हम काला नाग की बात करें तो ये जो है चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है दैट मीन्स सी पार्ट हमारा राइट right आंसर होगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडा इज फेमस फॉर आपको बताना है कि डोडा किसके लिए फेमस है अगर मैं बात करूं यहां पे डोडा जो है गुच्छी के लिए फेमस है लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर गुच्छी की बात करूं तो गुच्छी को जो है मोरल मशरूम के, uh, के नाम से भी जाना जाता है और मोरचिला एस्क्यूलेंटा के नाम से भी जाना जाता है दैट मीन इस वक्त जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी पार्ट ऑल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लेना इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरी छंब जो एक साइट है इसकी लोकेशन आपको बताने की कहां पे है ये जो नूरी छंब है इसकी लोकेशन जो है पूंछ में है दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट right आंसर होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन को नोट कर लेना ठीक है नूरी छंब जो कि एक इंपॉर्टेंट साइट है इसकी लोकेशन कहां पे है पूंछ में इसकी लोकेशन है तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन पुंछ इज फेमस फॉर फाइन टी आल्सो कॉल्ड सबसे पहले आपको ये नोट कर लेना है जो पुंछ जो है किसके लिए फेमस है फाइन टी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, है मशहूर है आपको बताना जो फाइन टी है इसे और किस नाम से जाना जाता है मसलूम टी शाही टी मीडियम टी या नन ऑफ टीज तो अगर हम इस फाइन टी की बात करें तो मसलूम टी के नाम से जाना जाता है दैट मीन मसलूम टी या फाइन टी दोनों ही एक है और पुंछ जो है इसके लिए फेमस है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पुंछ फूट तो फोर्ट जिसकी लोकेशन कहां पे पूछ में ही और आपको बताना है कि इसकी फाउंडेशन जो है किसके द्वारा डाली गई है अब्दुल रजा खान हरि सिंह अकबर या ननौवतीज तो यहां पे अगर हम पूछ फोर्ट की बात करें अब्दुल रजाक खान के द्वारा इसकी फाउंडेशन डाली गई है सेवनटीन में डेट भी आपको नोट कर लेना है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ सुचेत सिंह आपको बताना है कि सुचेत सिंह कौन थे एल्डर ब्रदर ऑफ गुलाब सिंह सन ऑफ गुलाब सिंह यंगर ब्रदर ऑफ गुलाब सिंह या नन ऑफ तीस तो यहां पे अगर हम सुचेत सिंह की बात करें तो ये थे यंगर ब्रदर किसके गुलाब सिंह के दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा इसके बाद जो क्वेश्चन राजा यहाँ पे आपको बताना है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट का किंग कौन था राजा कौन था महाराजा कौन था कब 1816 एडी में सुचेत सिंह मालदेव हरिदेव या नन ऑफ दीज तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1816 की तो इस समय जो राजा था वो था हरिदेव कहाँ का सांबा डिस्ट्रिक्ट का इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अलेवन हु ट्वेंटी टू मंडीज इन सांबा तो सबसे पहले आपको नोट कर लेना है जो सांबा है ये जो है इन ट्वेंटी टू मंडीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है बहुत ही ज्यादा माना जाता है जाना जाता है आपको बताना जो ट्वेंटी टू मंडीज है किसके द्वारा बनवाए गए हैं मालदेव सुचेत सिंह हरी सिंह या गुलाब सिंह तो यहाँ पे बी पार्ट दैट मीन सुचेत सिंह आपको नोट कर लेना है सुचेत सिंह हमारा राइट right आंसर होगा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट गुरुद्वारा नांगली साहिब सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट आपको पता जो गुरुद्वारा है ओल्डेस्ट गुरुद्वारा है इसकी लोकेशन पे है सांबा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जम्मू या पुंछ तो आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है जो लोकेशन है वो कहां पे है पूंछ में इसकी लोकेशन है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा नांगले साहिब कंस्ट्रक्टेड इन तो इसकी लोकेशन पे अभी कहा हमने, हमने देखा पूंछ में इसकी लोकेशन है लेकिन कब इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है 1803, 1730, 1530 या नन ऑफ तो यहां पे 1830 दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड चेंज्ड द नेम ऑफ राजौरी एज रामपुर आपको बताना है कि राजौरी जो है इसका नाम जो है एज ए रामपुर किसके द्वारा चेंज किया गया तो यहां पे आपको नोट कर लेना है गुलाब सिंह के द्वारा जो है इसका नाम चेंज किया गया था रामपुर लेकिन फिर दोबारा से इसका नाम जो है रजौरी रखा गया था तो आपके लिए क्वेश्चन है आपको बताना है कि जब रजौरी का नाम जो है चेंज किया गया रामपुर गुलाब सिंह के द्वारा फिर दोबारा से जो है राजौरी नाम किसके द्वारा रखा गया कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा नहीं यहाँ पे वट वाज द ओल्ड नेम ऑफ कुलगाम यहाँ पे जो है कुलगाम का पुराना नाम आपसे पूछा गया है आपको बताना है कि कुलगाम का पुराना नाम क्या है इनमें से लालपुरा सेमपुरा लतपुरा या ननौबीज तो यहां पे सेमपुरा दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिनेमेड सेमपुरा एज कुलगाम तो देखिए मैंने अभी अभी, अभी आपसे क्या कहा जो सेमपुरा है पुराना नेम है किसका कुलगाम का अब आपको बताना है कि ये जो कुलगाम इसका नाम रखा गया किसके द्वारा रखा गया शाह जहां सईद हुसैन सिमनानी गुलाब सिंह या नन ऑफ दिस तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन नंबर की बात करें तो सईद हुसैन सिमनानी दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट right आंसर होगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख नूरुद्दीन नूरान सॉरी शेख नूरुद्दीन नूरान भी आप कह सकते हो शेख नूरुद्दीन बॉर्न इन तो इस, इसकी जो है पैदाइश कब हुई है और कहां पे हुई है ये भी आपको नोट कर लेना अच्छी तरह से यहां पे अगर हम शेख नूरुद्दीन की बात करें तो कुल कुलगाम में इसकी पैदाइश हुई है कब हुई है 1377 AD में ये भी आपको नोट कर लेना है तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमदारी कश्मीर आपको बताना है कि अलमदारी कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है शाह हमदान शेख नूरुद्दीन बूथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो यहां पे अगर हम शाह हमदान की बात करें तो शेख नूरुद्दीन के शेख नूरुद्दीन को जो है शाह सॉरी uh, यहां पे शाह हमदान ये कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ना क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लो यहां पे दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम बात करें शेख नूरुद्दीन की तो इसको जो है अलमदार कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है और कुलगाम में इसकी पैदाइश हुई है कब थर्टीन सेवनटी एडी में क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लेना इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलगाम कार्वर्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कुलगाम को जो है किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है अनंतनाग बारामूला श्रीनगर या नन ऑफ दिस तो यहां पे अगर हम बात करें किसके कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तो कुलगाम जो है पहले पार्ट था किसका अनंतनाग का और 2007 में जो है कुलगाम को अनंतनाग से हटाया गया और अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ने, है अहरबल वाटरफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड तो अहरबल वाटरफॉल सबको पता होगा ठीक है ना बहुत ही डेंजरस वाटरफॉल माना जाता है आपको बताना है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है जिम जिम फॉल नाइगेरा फॉल ऑफ कश्मीर जमजम फॉल या नन ऑफ दीज तो यहाँ पे नाइगेरा फॉल ऑफ कश्मीर के नाम से जो है अहरबल वाटरफॉल को जाना जाता है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वासाक नाग इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको बताना है कि वासाक नाग जो है ये इसकी लोकेशन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है अनंतनाग कुलगाम श्रीनगर या नन ऑफ दीज तो यहां पे अगर हम वासाक नाग की बात करें तो इसकी लोकेशन जो है कुलगाम में है दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट right आंसर होगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलगाम इज फेमस फॉर आपको बताना कुलगाम जो है किसके लिए फेमस है पश्मीना पोएट्री वुड कार्विंग या नन ऑफ दिस तो यहां पे अगर हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये जो है वुड कार्विंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट right आंसर होगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजौरी इज ऑल्सो कॉल्ड राजौरी को और किस नाम से जाना जाता है लैंड ऑफ सुफीज लैंड ऑफ स्प्रिंग्स लैंड ऑफ किंग्स या नन ऑफ दिस तो यहां पर अगर हम बात करें राजौरी डिस्ट्रिक्ट की तो इसे जो है लैंड ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है दैट मीन्स सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहां पे आपको मैं एक बात बताता चलूं कि हमारी जो दूसरी चैनल है स्मार्ट सुमाइल के नाम से एक्स एम ए आर टी ठीक है ना एक्स एम ए आर टी एस एम आई एल ई तो यहां पे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं जीके के रिगार्डिंग या कोई भी और अपडेट वो मैं वहीं पे अपडेट करता हूं जेके पी स्मार्ट पर मैं केवल और केवल एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेरे नए सब्सक्राइबर हैं फ्रेशर जो इंक्लूड हुए हैं क्या पता वो वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए जेके पी के रिगार्डिंग या किसी और एग्जाम के रिगार्डिंग या कुछ इस तरह से वुमन बटालियन बॉर्डर बटालियन के रिगार्डिंग कोई इस तरह से अपडेट आए जो कि हमारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो और यहाँ पे वो वेट कर रहे होंगे कि जेके पी स्मार्ट की तरफ से हमें अपडेट दी जाएगी मैं आपको बताता चलू ये जो जेके पी स्मार्ट चैनल है यहाँ पे केवल और केवल एजुके एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होते हैं लेकिन जो अपडेट के लिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट चैनल रखी है वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स आपको मिलते हैं तो वो है स्मार्ट सुमाइल एक्स एम ए आर टी एस एम आई अली तो इसे जो है सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप जो है हर एक अपडेट पा सको मे भी यहां पे कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट हो जो कि आप मिस कर रहे होंगे तो इसलिए स्मार्ट सुमाइल को भी जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें यहां पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर गुप्ता गंगा टेम्पल इन डोडा लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर आपको बताना जो गुप्ता गंगा टेम्पल है सबसे पहले नोट कर लेना इसकी लोकेशन कहां पे है डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन आपको बताना है कि किस रिवर के किनारे इसकी लोकेशन है जहलिम रिवर नीरू रिवर चिनाब रिवर या नन ऑफ दिस तो यहां पर अगर हम गुप्ता गंगा टेम्पल की बात करें तो नीरू रिवर बैंक पर इसकी लोकेशन है यानी कि नीरू नीरू रिवर की, रिवर बैंक के किनारे पर इसकी लोकेशन है आंसर जरूर कर लेना क्वेश्चन आपके लिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट क्वालिटी ऑफ राजमा इन वर्ल्ड आर ग्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कि सबसे जो बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है राजमा की वर्ल्ड की बात हो रही है यहां पे वर्ल्ड बेस पे बात हो रही है वर्ल्ड बेस पे जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ राजमा जो है इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट की जो है मानी जाती है बेस्ट क्वालिटी ठीक है ना कुठवा सांबा डोडा या श्रीनगर तो यहां पे अगर हम बात करें सी पार्ट डेट मीन डोडा डिस्ट्रिक्ट की तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो राजमा है वर्ल्ड में जो है बेस्ट क्वालिटी की राजमा मानी जाती है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी माता टेंपल इज सिचुएटेड इन आपको बताना है जो चांदी माता टेंपल है इसकी लोकेशन कहाँ पे श्रीनगर पुलवामा अवंतीपुरा या डोडा तो यहां पे अगर हम बात करें चांदी माता टेंपल की तो डोडा में इसकी लोकेशन है नोट कर लेना इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डिड डोडा फोर्ट वेर कन्वर्टेड कन, इन जेल आपको बताना है कि जो डोडा फोर्ट है इसे जेल में कब कन्वर्ट किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ना तो ये जो डोडा फोर्टे से जेल में कब कन्वर्ट किया गया 18, 19, 15, 19, 1990 या नन ऑफ दिस तो नाइन पे सी पार्ट दैट मीन 1919 हमारा राइट आंसर होगा और शेख अब्दुल्ला को भी जो है यहां पे बंद कर दिया गया था इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इनवेडेड पूछ यहां पे एलेक्सेंडर है ठीक है ना आपको बताना है जो एलेक्टर द ग्रेट है इसने पूछ पे हमला कब किया था 320 ट्वेंटी बी सी टू एटी सिक्स बी सी थ्री ट्वेंटी सिक्स तो यहां पे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है थ्री ट्वेंटी सिक्स बीसी दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट right आंसर होगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवा बिसारा वॉज द ओल्ड नेम ऑफ तो ये जो द्रवा बिसारा आपको बताना है किसका पुराना नेम है सांबा डोडा कुठवा या पुंछ तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है ये जो है पुंछ का पुराना नाम है दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट right आंसर होगा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पे कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वेड सांबाटेड टू जे एंड आपको बताना जो सांबा है इसे जम्मू एंड कश्मीर के साथ कब जोड़ा गया ठीक है ना 1845, 1946, 1846 या नन ऑफ दीज तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो है 1846 एडी दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टू एंड कश्मीर तो किसके द्वारा जो है सांबा को जम्मू एंड कश्मीर से मिलाया गया था कब मिलाया गया था 1846 में तो किसके द्वारा हरि सिंह रणबीर सिंह गुलाब सिंह या नन ऑफ दीज तो यहां पे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है सी पार्ट दैट मीन गुलाब सिंह इसका राइट आंसर है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबा इज फेमस फॉर इटस आपको बताना है सांबा किसके लिए फेमस है सुप्रिंग्स श्राइन टेम्पल या मंडीज तो यहाँ पे अभी अभी हमने मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था जो सांबा है 22 टू मंडीज के लिए जो है फेमस है और जो 22 टू मंडीज है किसके द्वारा बनाई गई है सुचेत सिंह के द्वारा बनाई गई है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 फोर वेन डिड सांबा केम इंटू एग्जिस्टेंस एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको ये बताना है कि जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है इसे जो है कब वजूद में लाया गया है एज ए डिस्ट्रिक्ट यहां पे ऑप्शन है फर्स्ट अप्रैल 2007, थाउजेंड सेवन फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवन ट्वेंटी सेवन अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्स या नन ऑफ दिस क्वेश्चन आपके लिए है कॉमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ राजपूत वेरियर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताना है लैंड ऑफ राजपूत वेरियर्स के नाम से इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है पुंछ जम्मू उधमपुर या सांबा तो यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन है क्वेश्चन नोट कर लेना सांबा इसका राइट आंसर होगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज सेवियर ऑफ कश्मीर आपको बताना है कि इनमें से जो है सेवियर ऑफ कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है भूपिंदर सिंह राजेंद्र सिंह हरि सिंह या नन ऑफ दीज तो यहां पे अगर हम सेवियर ऑफ कश्मीर की बात करें तो राजर सिंह को जो है सेवियर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है इसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ पुंछ इन 1850 एडी आपको बताना है 1850 एडी में जो है पुंछ का रूलर कौन था हरिदेव राजा नर हरी सिंह या नन ऑफ दिस तो यहां पे अगर हम बात करें एटीन फिफ्टी एडी की तो यहाँ पे कौन था इस वक्त पुंछ का रूलर तो वो था राजा नर दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा तो ये थी आज की हमारी सीरीज उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको मैं बताता चलूँ आपके लिए होमवर्क है आपको जो है आज यहाँ पे जितने भी हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़े अगर मैं यहाँ पे बात करूँ देखिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा डोडा के बारे में हमने पढ़ा पुंछ के बारे में हमने पढ़ा और साथ ही साथ यहाँ पे चलिए आप जो है आपके लिए मैं दो यहाँ पे काम रख रहा हूं ये जो डोडा और पुंछ है ठीक है बेसिकली सबसे ज्यादा हमने इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा डोडा और पुंछ के बारे में आप सब लोगों को एक एक पॉइंट बताना है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है डोडा एंड पूंछ के बारे में ठीक है ना दैट मीन दो दो पॉइंट के कमेंट्स आने चाहिए हर एक की तरफ से आपको जो है यहाँ पे नॉलेज शेयर करनी है क्योंकि जो लोग कमेंट पढ़ेंगे उनको भी फायदा मिलेगा और आपको भी फायदा मिलेगा क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है तो डोडा एंड पुंछ के रिगार्डिंग एक एक पॉइंट जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और साथ ही साथ यहां पे अपना स्कोर भी मेंशन करना ना भूले और आप में से जितने भी वुमेन बटालियन के एज पेरेंट्स है बॉर्डर बटालियन के एज पेरेंट्स हैं मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे जेकेपी स्मार्ट पे केवल और केवल यहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं जितने भी अपडेट्स है ऑफशियल नोटिफिकेशन वगैरह है वो मेरी दूसरी चैनल दैट मीन एक्स एम ए आर टी एस एम आई एल ई स्माइल पे मिलेंगे और यहाँ पे आपको बताता चलूँ अभी अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से दो ऑप्शियल अपडेट जो है आउट हो चुकी है बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है आउट कर दिया गया है ओवर एज होने की वजह से और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की आ, हुई थी ऑरिजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई थी तो जम्मू प्रेवेंस के लिए यहां पे वुमेन बटालियन के लिए ऑप्शन नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है उन कैंडिडेट्स के बारे में तो उस ऑप्शन नोटिफिकेशन में अपना नाम चेक करना ना भूले आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा होगा इस पर क्लिक करके आप जो है वो सारे वो नोटिफिकेशन वो जो अपडेट आई है वहां पे उससे देख सकते हो और आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके आप वो पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दुआ में याद रखना